हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल क्विक रेसिपीज़। तो आज हम बनाते हैं वेजिटेबल्स खिचड़ी, जो कि खाने में बहुत टेस्टी और हेल्दी होता है। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने लिया है यहाँ पर दाल चावल, मैंने आधा कप दाल लिया था, आधा कप चावल लिया था। इसके अलावा मैंने लिया है यहाँ पर कुछ वेजिटेबल्स, इसमें मैंने लिया है पत्ता गोभी, लहसुन की कलियाँ, हरा धनिया और हरा मटर, टमाटर, इन सबको मैंने कट कर लिया है। इसके अलावा मैंने कुछ और सब्जियां ली हैं, जिसमें लिया मैंने प्याज, शिमला मिर्च, आलू और गोभी। तो इन सारे विजेस से हम बनाना शुरू करते हैं। तो बनाने के लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर कुकर। कुकर में हम सबसे पहले डाल देंगे दाल चावल को। तो ये देखिए, मैंने डाल दिया है दाल चावल को। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी। पत्ता गोभी को मैंने बारीक कट कर लिया था। इसके बाद हम इसमें डालेंगे टमाटर, यहीं पर डाल देंगे मटर को, और अब हम इसमें डालेंगे गोभी, आलू भी यहीं पर डाल देंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, प्याज डालेंगे और लहसुन की कलियां भी यहीं पर डाल देंगे, धनिया पत्ती भी डाल देंगे। तो ये सारे वेजीज हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे पानी। पानी मैंने 2 कटोरा डाला है। तो ये देखिए, पानी मैंने डाल दिया है। इसके बाद इसमें डालेंगे हम नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग, कम या ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पर डाल देंगे हल्दी पाउडर। यहाँ पर हमने हल्दी पाउडर के अलावा कोई और मसाला यूज़ नहीं किया है। तो अब हम इसमें लगा देंगे ढक्कन और इसे 10 मिनट तक पकाएंगे। 10 मिनट में 4 सीटियाँ आ जाएंगी और उसके बाद हम ढक्कन हटाएंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी सी खिचड़ी बनकर तैयार है। ये खाने में बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो इसे हमने एक बड़े बाउल में ट्रांसफ़र कर लिया है। इसके बाद हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो तड़का लगाने के लिए मैंने ले लिया है 1 बड़ा चम्मच घी। घी को हम कर लेंगे अच्छे से गरम। तो ये देखिए, घी अच्छे से गरम हो चुका है। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे जीरा। जीरे को हम चटकने देंगे। इसके बाद इसमें डाल देंगे हम हींग। हींग को भी अच्छे से चटकने देंगे। इसके बाद हमने लिया था सूखी लाल मिर्च, उसको भी हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर इस तरह से खिचड़ी के ऊपर डाल देंगे। और ये देखिए, वेजिटेबल से भरी हुई ये खिचड़ी बनकर तैयार है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है और ये हेल्दी भी बहुत होता है। शाम को डिनर में इसे ज़रूर बनाएं। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।